Hey guys, welcome back to Fly High Academy. Coming to our next question. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of ages of all three is 135 years. What is the age of each one of them? क्वेश्चन में बोला गया है जो बाईचुंग के फादर हैं वो 26 इयर्स छोटे हैं बाईचुंग के ग्रैंडफादर से और 29 इयर्स बड़े हैं बाईचुंग से और इन तीनों की एज का सम जो है वो 135 इयर्स है. सो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. तो हमें बताना है कि बाईचुंग की एज क्या है, बाईचुंग के फादर की एज क्या है और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या है. लेट द बाईचुंग एज बी 8 इयर्स. बाईचुंग के फादर की एज क्या होगी, वो बाईचुंग से 29 इयर्स बड़े हैं. सो बाईचुंग फादर्स एज भी एक्स प्लस 29 इयर्स. और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर हैं वो बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. सो बाईचुंग ग्रैंडफादर्स एज भी एक्स प्लस 29 प्लस 26. ये क्यों लिया है, क्योंकि बाईचुंग के फादर की एज को हमने x प्लस 29 माना है और बाईचुंग के ग्रैंडफादर जो है वो बाईचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं. तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज होगी x प्लस 55 इयर्स. Now, according to question, question में बोला गया है कि इन तीनों की, बाईचुंग की, बाईचुंग के फादर की और बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज जो है उसका अगर हम सम कर दें तो वो 135 इयर्स आएगा. So, x plus 29 and x plus 55 equals to 135. So x equals to 3x and 29 plus 55 equals to 84 equals to 135. Now हम 3x को यहीं रहने देते हैं और 84 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. देन 3x 135 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 51. देन x इक्वल्स टू 51 डिवाइडेड बाय 3. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 sevens are 21. जो हमारा x होगा वो होगा 17 इयर्स. तो हमने बाईचुंग की एज को x माना था. सो बाईचुंग एज इज 17 इयर्स. सो बाईचुंग फादर एज भी
x plus 29, so 17 plus 29, तो बाईचुंग के फादर की एज आ जाएगी 46 years. Then बाईचुंग grandfather's age. X plus 55, so 17 plus 55 equals to 72 years. बाईचुंग की एज 17 years होगी, बाईचुंग के फादर की एज 46 years होगी और बाईचुंग के grandfather की एज होगी 72 years. Now coming to next question. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? Question में बोला गया है, अभी से 15 साल बाद जो रवि की एज होगी वो 4 times होगी. तो हमें बताना है कि रवि की present age क्या है. Let the present age of Ravi be 15 years. After 15 years, 15 साल के बाद जो उसकी एज है वो इससे 4 गुना होगी. After 15 years, Ravi's age भी 4 times. So x into 4 equals to 4x years. Then according to question, क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 साल बाद रवि की एज जो है 4 टाइम्स होगी उसकी प्रेजेंट एज से. सो 4x माइनस x इक्वल्स टू 15. 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा इक्वल्स टू 15. सो x इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड 3. सो x इक्वल्स टू 3 वन जा 3, 3 5 are 15, 5 years. Hence, present age of Ravi equals to 5 years. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, you get minus 7 by 12. What is the number? Question में बोला गया है कि एक rational number है जिसको आप 5 by 2 से multiply करते हैं और 2 by 3 उसमें add करते हैं. तो जो आपका आंसर है वो होगा माइनस 7 बाय 12. सो लेट द रैशनल नंबर बी x. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर
आप एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, तो हमारा रैशनल नंबर था x, अगर हम इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/2x एंड एड 2/3, और इसमें हम 2/3 को क्या कर देते हैं, एड कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो होगा -7/12। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 5/2x को हम यहीं रहने देते हैं और 2/3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, तो प्लस का 2/3 माइनस का 2/3 हो जाएगा, देन 5/2x, 12 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, थ्री फोर जा 12, थ्री वन जा 3, फोर वन जा 4, सो हमारा एलसीएम होगा 3 × 4 = 12। 1 × -7 = -7, देन माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है एंड 4 × 2 = 8। नाउ 5/2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7 - 8 -15 हो जाएंगे, -15/12। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 5x × 12 = -15 × 2, सो 12 × 5 = 60x, 15 × 2 = -30। देन x = -30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी -1/2। Hence, the rational number is -1/2. Now coming back to next question, question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh rupees. How many notes of each denomination does she have? Question says, Lakshmi cashier है एक bank में, उसके पास कुछ currency notes हैं जो 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं, और उसका रेशो है 2:3:5। मैंने आपको बताया था जब भी कोई चीज रेशो में दी रहती है तो हम उसको x से डिनोट करते हैं, लाइक 2x, 3x एंड 5x, और उसके पास जो टोटल कैश है वो है 4 लाख रुपीस। तो हमें बताना है कि उसके पास जो नोट्स है उसका डिनोमिनेशन क्या है। Let the number of notes be 2x, 3x and 5x. Then according to question,
क्वेश्चन में बोला गया है जो उसके पास 100 के नोट्स हैं वो 2x है, देन 50 के नोट्स हैं वो 3x है, एंड जो 10 के नोट्स हैं वो 5x है, और उसके पास टोटल अमाउंट है 4 लाख रुपीस। नाउ सॉल्व करते हैं, 100 × 2 = 200x, 50 × 3 = 150x, एंड 10 × 5 = 50x = 4 lakh। देन ऐड 200 + 150 = 350 + 50 = 400, 400x = 4 lakh। देन x फाइंड कर लेते हैं, 4 lakh upon 400, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 ones are 4, 4 ones are 4, 0, 0, 0, तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1000। अब हम देख लेते हैं हमारे पास 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के और 10 के। Hence, number of denomination of rupees 100 equals to 2x. So 2 × 1000 equals to 2000. Then number of denomination of rupees 50 equals to 3x. So 3 × 1000, that is 3000. Then number of denomination of rupees 10 equals to 5x. So 5 × 1000 equals to 5000. Hence the denomination of notes of rupees 100 is 2000, rupees 50 is 3000, and rupees 10 is 5000. Now coming to next question, I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? Question says, मेरे पास 300 rupees के coins हैं जिनका denomination है rupees 1, rupees 2 and rupees 5. Then question में बोला है कि जो रुपीज 2 के क्वाइन है वो रुपीज 5 के क्वाइन से 3 टाइम्स है, और जो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस है वो है 160। तो हमें बताना है कि हर एक डिनोमिनेशन के मेरे पास कितने क्वाइंस हैं। लेट द नंबर ऑफ रुपीज 5 क्वाइंस भी x, then the number of
रुपीज, टू कॉइन्स भी क्वेश्चन में बोला गया है, जो टू के क्वाइन है वो फाइव के क्वाइन से थ्री टाइम्स ज्यादा है, सो इट इज 3x। देन द नंबर ऑफ रुपीज वन क्वाइंस बी, टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस है हमारे पास 160 में से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, 5 के क्वाइन को और 2 के क्वाइन को, तो हमारे 1 के क्वाइन निकल जाएंगे। देन माइनस एक्स प्लस 3x, तो जो हमारा 1 के क्वाइंस होंगे वो होंगे 160 माइनस 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइव के कॉइन्स x हैं, देन टू के कॉइन्स 3x हैं और वन के कॉइन 160 माइनस 4x हैं, और इन सब का जो टोटल है वो है 300 रुपीज। नाउ सॉल्व करते हैं, 5 × x = 5x, 2 × 3x = 6x एंड 1 × 160 − 4x = 160 − 4x = 300। नाउ x की वैल्यू को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और 160 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। थ्री हंड्रेड देन प्लस 160, वहां जाके माइनस 160 हो जाएगा। 5x और 6x 11x होंगे, 11 में से 4 जाएंगे तो 7x बचे, इक्वल्स टू 300 में से 160 जाएंगे तो 140 बचेंगे। नाउ x 140 7 डिवाइड में आ जाएगा, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 0 का 0, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 20। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5 equals to x, so it is 20. The number of coins of denomination 2 equals to 3x. Then 3 × 20 = 60. Number of coins of denomination 1 equals to 160 minus 4x, so 160 minus 4, हमारा x था 20, then 160, 4 2 is 8, 80, then 160 में से 80 जाएगा तो 80 बचेगा, hence the number of coins of rupees 5 denomination is 20. Number of coins of rupees 2 denomination is 60 and the number of coins rupees 1 denomination is 80. Now coming back to next question. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win
gets a price of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find the number of participants is 63. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें विनर को रुपीस 100 दिए जाएंगे और पार्टिसिपेंट्स को रुपीस 25 दिए जाएंगे जिन्होंने विन नहीं किया है, और जो टोटल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो रुपीस 3000 हुए हैं। तो हमें नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 हैं। तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स ऑफ रुपीस 100 बी एक्स। एंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स who doesn't win b 63 minus x। Now according to question, question में बोला गया है कि जो win कर रहे हैं उसको 100 रुपीस दिए जाएंगे, तो विन कितने कर रहे हैं x, तो 100 इंटू एक्स, और जो विन नहीं करेंगे उनको कितना अमाउंट मिलेगा 25। सो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, और जो टोटल अमाउंट होगा 3000 रुपीस। सो नंबर ऑफ विनर्स को मिलेंगे रुपीस 100, सो 100 इंटू एक्स, देन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे रुपीस 25, देन 25, 63 माइनस एक्स, और जो टोटल अमाउंट है वो है 3000 रुपीस। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 100 एक्स प्लस 25 इंटू 63 इक्वल्स टू 1575, एंड 25 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, एंड 25 इंटू एक्स 25x इक्वल्स टू 3000 रुपीस। अब हम x की वैल्यू को यहीं रहने देते हैं और 1575 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं, देन 3000 माइनस 1575, 100 में से 25 जाएंगे तो 75x बचेंगे, एंड 3000 में से 1575 जाएंगे तो 1425 बचेंगे। x इक्वल्स टू 1425 डिवाइडेड बाय 75। हम 5 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं, 5 वन ज़ा 5, 5 फाइव ज़ा 25, 5 टू ज़ा 10, 5 एट ज़ा 40, 5 फाइव ज़ा 25, 5 थ्री ज़ा 15, 5 फाइव ज़ा 25, एंड 5 सेवन ज़ा 35, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, 3 9s are 27, तो हमारा जो x है वो आया 19, so hence the number of winner is 19।
यहीं पे आपकी 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।